मैं आज खुश क्यों? मैं जा रही हूँ मिस्टर दयाल के पास। तो अगर आपको कोहिमा पहुंचना है तो डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलना बहुत टफ रहता है, तो या तो आपको कोलकाता होते हुए जाना पड़ेगा या फिर आपको गुवाहाटी होते हुए जाना पड़ेगा। मेरी जो फ़्लाइट थी वो अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock की फ़्लाइट थी, जिसमें मुझे कोलकाता में लेओवर करना था 2 for 2 hours। सो अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी और हम लोग को 2 घंटे पहले भी पहुँचना था। सो पापा मुझे छोड़ने एयरपोर्ट गए थे और मैं जल्दी में क्लिप्स लेना भी भूल गई। तो ये कुछ वीडियोस मैंने ली थी फ़्लाइट से, और ये है धीमापुर का एयरपोर्ट। बहुत ही अच्छा व्यू था वहाँ पे धीमापुर पहुँच के। आप जब भी धीमापुर या नॉर्थ ईस्ट जब भी एक्सप्लोर करेंगे तो आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे कि वहाँ का स्काई हमेशा ब्लू रहता है। और क्योंकि मैं क्रिसमस टाइम पर पहुँची थी तो हर जगह आपको ये क्रिसमस डेकोरेशन आसानी से देखने को मिल जाती हैं। सो काफ़ी लंबी फ़्लाइट के बाद मैं फ़ाइनली पहुंच गई थी धीमापुर। धीमापुर से मैंने ली थी टैक्सी और मुझे बहुत जम के भूख लगी हुई थी। तो ये एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है ग्रीन हिल्स रेस्टोरेंट। काफ़ी अच्छा खाना था इनका, काफ़ी हाइजीनिक प्लेस थी। छोटा सा था मेन्यू, जितनी छोटी जगह उतना छोटा मेन्यू, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था। और ये कुछ उसका व्यू था, व्यू भी काफ़ी अच्छा था। सो जिनको फ़्लाइट के बाद ज़्यादा स्पाइसी कुछ खाने का मन ना हो या फिर सीधा आते ही आपको नागा फूड ट्राई करने का मन ना हो, तो आप इस जगह पे रुक के खा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ मिडवे टेस्ट था, मतलब आपको नॉर्थ ईस्ट का ग्रेवी एंड थोड़ा हल्का हल्का स्पाइसी फूड मिलेगा, प्लस आपको नागा टच भी मिलेगा। तो हमने ऑर्डर किया था चिकन एंड राइस एंड दाल एंड सैलड, सिंपल सा बट बहुत टेस्टी एंड बहुत ही सोल फूड काइंड ऑफ फूड था। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे ड्राइवर भैया थे वो हमें रास्ते में अपने फ्रेंड के शॉप पे ले आए थे, जहाँ पे वुड और बैम्बू से बनी हुई चीज़ें मिलती थी। सो यहाँ के लोगों की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, ये काफ़ी यूनिटी में रहते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के बिज़नेस को प्रमोट करते हैं। तो इससे मुझे याद आता है कि इस टाइम मुझे जो भी देख रहे हैं, जो फ्रेंड्स जो रिलेटिव्स या कोई अननोन भी मुझे देख रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोज़ को शेयर करो। These are actually available in Delhi. These are available. ये किसके लिए था पता? क्या? ये 4. Oh. ये मेरे ख्याल से क्या है? तुरई है क्या ये? ये सब्जी होता है ना? सब्जी को तो खा के करते हैं ना? नहीं नहीं, ये उसमें ये सब्जी होता है। हाँ वही सुखा के उसको। सब्जी काटने के लिए। सब्जी काटने के लिए। और इसको ये काटेगा तो ये ये बोल रहे हैं कब या हाँ हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, मैं जा रही हूँ कोहिमा अपने हस्बैंड के पास कुछ दिनों के लिए। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, प्लीज उसको देख लीजिएगा। आई एम इन कोहिमा। अभी मैंने नाश्ता कर लिया है, आशीष को भी मैंने नाश्ता करा दिया है, ही लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस, शाम तक आ जाएंगे। मीनवाइल आई एम टेकिंग धूप। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली, कोहिमा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो हम लोग रुके अकिम में, इट्स अ होम स्टे, मैं उसकी भी आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। अगर आप लोग को आना हो यू कैन स्टे हियर, द होस्ट आर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी जेनरस पीपल। यहाँ के जो होस्ट है, जो ओनर्स हैं, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ग्राउंडेड हैं, और वो इतने अच्छे से हम लोग को अपने साथ रखे हुए हैं कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं पहली बार किसी अलग जगह पे आई हूँ। बिकॉज आई वॉज स्कैर्ड, बिकॉज यू नो कोहिमा नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी कुछ आपको न्यूज़ वगैरह सुनने के लिए मिलती हैं। विद देयर परमिशन ओनली आई विल शेयर देयर डिटेल्स, सो दैट आप लोग उधर जाकर उनसे बात कर सकें और होम स्टे में इफ़ यू वॉन्ट टू तो आप यहाँ पर रुक सकें। बहुत अच्छा व्यू है, मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर रही हूँ आगे, आप उसको देखिएगा, यू वुड लव इट। तो ये एंट्री पॉइंट है अकिम होम स्टे का। यहाँ पे इन्होंने बहुत प्यारे बोगेनविलिया लगाए हुए हैं। प्लांटेशन आपको नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा मिलेगी, खासकर से घर में हमेशा आपको आगे बैकग्राउंड में या फिर आगे फ्रंट ऑफ द हाउस में आपको बहुत सारी प्लांटेशंस मिलेंगी। यहाँ पे मैंने देखा है लोग बहुत अच्छे से अपने प्लांट्स को रखते हैं, बहुत अच्छे से उसको संभालते हैं। ये है अकिम होम स्टे का बैनर एंट्री गेट पे, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप अकिम होमस्टे पहुंच चुके हैं। क्योंकि ये पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ों पे घर बने होते हैं, तो ये आपको थोड़ा इसे ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, यहाँ तक कार आ जाती है। इनके पास पार्किंग एरिया भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप कार हायर करके आ रहे हैं अपने ट्रिप के लिए, तो इनके पास पार्किंग एरिया बहुत ज़्यादा है। सो मेन गेट से एंट्री लेते ही आपको ये प्यारा सा सुंदर सा घर दिखेगा,
यहाँ पे रहते हैं ओनर और यहाँ पे होम स्टे है जहाँ पे आप लोग रुकेंगे। ये बिल्कुल उन्होंने अलग सेपरेटली बनाया हुआ है जिससे कि गेस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी पार्किंग की स्पेस है तो आपको पार्किंग का कोई इशू नहीं होगा और यहाँ पे पानी की भी दिक्कत नहीं होगी। ओनर्स ने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का और पानी का। तो ये सब जो प्लांटेशन है ये ओनर्स ने ही लगाई हुई है और ये बहुत ही सुंदर प्लांटेशन है, आप ही देखिए। सो राइट में जो आप देख रहे हैं वो है बैकयार्ड। ये पर्सनल स्पेस है किसी का तो मैं वहाँ तो नहीं जाऊँगी, बट ये जो स्पॉट है ये एक्चुअली मेरा फेवरेट स्पॉट है। मैं यहीं पर अपना ब्रेकफास्ट और लंच करती हूँ और जब मुझे धूप सेकनी होती है तब भी मैं यहीं पर आती हूँ। यहाँ से 180 डिग्रीज में जितना सब दिखता है ये एक्चुअली सब पहाड़ है और ये इतने ब्यूटिफुल व्यू है यहाँ से कि आप अगर यहाँ पर आके बैठ जाएँ तो आपको यहाँ से हिलने का मन ही नहीं करेगा। इतना ब्यूटिफुल पहाड़ यहाँ से दिखते हैं, इतना ब्लू स्काई ब्लू पहाड़ दिखते हैं कि बहुत मज़ा आ जाता है। अच्छा यहाँ पे ना मैंने एक शाम की भी क्लिप ऐड की है सो दैट आप लोगों को एक आइडिया हो जाए अगर आप यहाँ पर आते हैं रुकते हैं तो कुछ इस तरीके का व्यू होता है गेस्ट हाउस से। यहाँ पे जल्दी अंधेरा हो जाता है तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ व्यू रहता है। यहाँ पे दूर में आपको कोहिमा सिटी दिख रही है और क्योंकि मैं क्रिसमस टाइम पे आई थी तो मुझे काफ़ी सारी डेकोरेशंस दिख रही थी घर में, घर के बाहर घर के अंदर काफ़ी अच्छा डेकोरेशन यहाँ पे रहता है क्रिसमस पे। और यहाँ पे ना जगह जगह आपको क्योंकि अभी क्रिसमस है ना तो घर के बाहर लोगों ने क्रिसमस ट्रीज़ वगैरह लगाए हुए हैं जो कि बहुत प्यारे होते हैं। सो अगर आप लोग पेट लवर्स हैं तो यहाँ पे आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा बिकॉज ओनर्स के पास खुद दो डॉग्स और एक कैट है। इस कैट का नाम है मीसो, ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही फ्रेंडली कैट है और डॉग से भी मैं आपको जल्दी मिलवाऊंगी, वो दोनों भी बहुत ही फ्रेंडली और बहुत प्यारे बच्चे हैं। होपफुली मैं आपको जल्दी उनसे मिलवाऊंगी। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। सो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, होपफुली आपको ये पसंद आया हो। फिर मिलते हैं, बाय बाय।